हेलो एवरीवन, इट्स मी आर के रिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं अपना गांव आया हूं और अपना गांव का मैं फर्स्ट ब्लॉग करने के लिए जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं वो अभी सस्पेंस है, अंत तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। वो क्या रहस्य, वो क्या करने वाला हूं, थोड़ा तो सस्पेंस बनता है यार। तो ले चलते हैं गाइस। तो अब वो रहस्य ख़त्म होने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या रहस्य जो बंदा लेके जा रहे हैं। तो मैं आया हूँ एक नेचुरल चीज़ को टेस्ट करने के लिए। नेचुरल चीज़ क्या है तो मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा कि वो नेचुरल चीज़ क्या है। और अब तो भीड़ तो देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ठंडी का मौसम, 10 डिग्री टेम्परेचर है ना। चलिए मैं आपको और बारीकी से दिखाऊंगा। चलिए आगे देखिए क्या है। खजूर, डेट्स, आप लोग भी जानते हो, डेट मीन्स खजूर। उसका रस पान करने के लिए जा रहा हूँ। क्या है? रस पान है ना, हाँ, जलपान नहीं, रस पान करने के लिए जा रहा हूँ। खजूर का जूस। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे सारे पंटर हैं। ये भाई सब मेहनत करके भी उतारेंगे, पेड़ पे हैं। और इसका मेन किरदार जो है, मेन खिलाड़ी है भाई सब, यहाँ पे देख सकते हैं, वो कैप वाले देख सकते हैं उधर। हाँ, अब वो रस्सी लगा के ऊपर चढ़ेंगे, घड़ा में फिर से उतारेंगे। क्या बात रिक्सी है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। देख सकते हैं ये भाई सब जो है, ये जो पतीला है बैक में है, रस्सी लगा हुआ है और एक चेन की तरह से हुक जो है उस तरह से उठकाया गया है। और वहाँ से जाके उसको वो चेंज करेंगे। इतना आसान नहीं है जितना हर कोई समझ लेता है ये काम। इतना आसान नहीं है जितना हर कोई समझता है। देख सकते हैं एक अदर हैंड ट्रांसफ़र कर रहा, देख सकते हैं आप। ये हो गया, फिर से बैक में लटका के वो भाई साहब उसको नीचे लाएंगे। और उसका टेस्ट एंड टेक्सचर मैं तो आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये जूस काफ़ी ड्राई हो, मन तो आपका भी करेगा है ना। अब ये नेचुरल जूस में जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए। इसको ताड़ी मत बोलिएगा कोई, ये एज ए जूस मैं टेस्ट करने वाला हूँ, इसमें कोई नशा नहीं है। ये मीठा ताड़ी, मीठा ताड़ी, पकड़िए इसको। हाँ चलिए, और ये मीठा ताड़ी आज मैं टेस्ट कराऊंगा सभी को। चलिए बस, आपका ही मन कर रहा है ना। पता नहीं इसमें कितना बोतल है, बोतल के हिसाब से मिलता है, इतना तो पी नहीं पाएंगे। चलिए, क्या स्मेल आ रहा है, देख सकते हैं मेरे भैया, पूरे देसी स्टाइल में, ऑथेंटिक स्टाइल। ये स्टाइल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल झारखंड में ही मिलेगा। वाह, हम भी टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन टेस्ट तो जरूर करेंगे। आह क्या बात है, प्योर देसी स्टाइल में। अरे वाह, गट 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 गट, क्या बात है ये, क्या बात है। खास बात ये कि हम लोग ऐसा अगर करेंगे तो सारा गिरा देंगे नीचे। ये प्योर देसी स्टाइल में है, गुस्सा हो गए लगता है। क्या बात है, देख रहे, थोड़ा सा बचा है, जैसे एकदम कितना होगा 100 ml जैसा बचा हो गया। खिलाड़ी है सब, सब खिलाड़ी है, पत्ता वाला है। क्या बात है, देख रहे, एकदम नल से लग रहा है जैसे पानी गिर रहा है। देख रहे, टपा टपा देसी स्टाइल, पूर्वज लोग को पीते हुए देखते हैं ना। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। बहुत दिन के बाद हम टेस्ट कर रहे हैं। और ये मीठा वाला है, मैं इसको ताड़ी समझ के नहीं, एज ए जूस पी रहा हूँ मैं हेल्थ के लिए। मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि जब सूरज का लाइट पड़ेगा, फर्मेंटेड हो जाए तो उसमें नशा आएगा, इसलिए भाई साहब को पहले से बोले थे उठार के रखने के लिए, फिर भी थोड़ा लेट हो गया। अब पता नहीं इसमें क्या है, ठीक है। अब एक बोतल लिया तो देखता हूँ कितना मैं पी पा रहा हूँ। ताड़ी जो ताड़ी काफ़ी ड्राई होते हैं, मतलब तो गला में लगने वाले जैसे करंट है ना, करंट शॉट।
तो इसको अब जब भी पिए इसके साथ, तो यहाँ तो ऑप्शन रहता है बहुत कुछ, तो अपना कुछ भी खाने का जुगाड़ कर रहता है, लेकिन मैं माताल हो जाऊँगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना है ना, एज ए जूस में इसे पी रहा हूँ। परफेक्ट कलर है, व्हाइटिश कलर है, ये देख सकते हैं। ताड़ी जितना पुराना होते जाएगा उतना ज़्यादा नशा होगा, और ये मैं तुरंत इसको पेड़ से उतार के मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। देख कलर देखिए इसका, मन तो आपका भी कर रहा होगा, मन तो आपका भी कर रहा होगा, ये चीज़ ही ऐसा है, मन तो आपका भी कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो देख सकते हैं ये यहाँ का कार्यकर्ता है, देख सकते हैं सारा मेहनत भाई साहब कर रहे हैं, ट्रैक्टर है भाई साहब। अपना नाम बता दो व्यूवर्स को, तभी ना आपके पास आएगा लोग। मेरा नाम है लखन हेमरम। चलिए लखन हेमरम, और यहाँ पर खास बात क्या पता, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये ऑनलाइन, चला इंटरेस्टिंग है ना, ये खजूर का जूस, भैया स्विगी वाले भी यहाँ पे खड़ा है, देख रहे हैं आप, ऑनलाइन डिलीवरी भी है। अरे भैया हमको पता नहीं था, नहीं तो घर ही बुला लेते हम, है ना। तो चलिए, जगह पड़ता है नारायणपुर, अगर आप लोकल हैं, आप लोकल देख रहे थे, नारायणपुर ये पहाड़ है यहाँ का। भैया का नाम क्या बोला है, लखन हेमरम, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको नेचुरल एकदम पेड़ से उतार के देगा, आपको पेड़ से उतार के, ऐसा नहीं कि काफ़ी देर का रखा हुआ, रखा हुआ मैं तो कभी नहीं पीऊँगा, क्योंकि वो धूप के साथ फर्मेंटेड हो जाएगा, वो रिएक्ट करेगा, फिर नशा लगेगा। चलिए वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो दबा दीजिएगा, जो दिल करे दबा दीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद।